राजस्थान के बारा छिपाब डोद में कालाजी महाराज की महाआरती में उमड़े श्रद्धालु सब परिवार लिया स्त्री पुरुषों ने भाग। लोगों में खुशी की लहर, मंदिरों और आश्रमों पर अब होने लगी महाआरतियों का आयोजन। क्षेत्रवासियों के सभी भक्तों के द्वारा घर से लेकर आए दीपों से हुई महाआरती। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सपा के जिलाध्यक्ष की गाड़ी में ट्रक ने मारी टक्कर, बाल बाल बचे जिलाध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के कार्यालय से अपने घर जा रहे सपा के जिलाध्यक्ष गाड़ी को कई मीटर तक घसीटता हुआ ले गए। स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते ट्रक को रोका गया, गाड़ी से सपा जिलाध्यक्ष को सुरक्षित निकाला गया बाहर। राजस्थान के बारा अट्टू में आगरा से राखी बेचने आए युवक दैंगली की पुलिया पर बाइक से निकलकर नदी पार करते हुए बाइक सवार पार्वती नदी में आए तेज बहाव में बह गए। पार्वती नदी में बहे एक को सुरक्षित निकाला गया बाहर, दूसरे की तलाश जारी। सिद्धार्थनगर में आशीष कुमार गिरी नामक व्यक्ति के हाथ में तिरंगा लेकर बडरपुर से लखनऊ विधानसभा के लिए हुआ रवाना। 320 किलोमीटर तक हाथ में तिरंगा लेकर हुआ रवाना, लोगों को जागरूक करते हुए पहुंचेंगे लखनऊ विधानसभा। सिद्धार्थनगर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी गांव-गांव जाकर घर पर तिरंगा झंडा फहराएंगे। इसको लेकर आज सपा के नेता पूर्व राज्यसभा सांसद आलोक तिवारी ने कार्यकर्ताओं में झंडा वितरित किया। सिद्धार्थनगर जिले के वासी में सपा नेत्री चमन आरा द्वारा आयोजित झंडा वितरण कार्यक्रम में बुधवार को करीब 500 झंडों का वितरण किया गया। संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला शव, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप। हिजम रोड पर रखकर किया रोड जाम, मौके पर पुलिस मौजूद। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए लखीमपुर भेजा। राजस्थान के कोटा शहर के तलबंडी इलाके में आपसी रंजिश के चलते गोली मारकर युवक की हुई हत्या। तलबंडी चौराहे पर स्थित रेस्टोरेंट में घुसकर युवक अरकान पर फायर किया गया, हमलावर भाग निकले। जवाहर नगर थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और मौके की स्थिति को संभाला। पुलिस सूत्रों के अनुसार दो गुटों में काफी समय से चल रहा था विवाद। राजस्थान के शाहबाद उपखंड के कस्बा थाना कस्बे में सोमवार सुबह अचानक पुलिस ने अवैध कच्ची शराब हथकड़ों के खिलाफ रेड डाली, जिसके बाद अवैध कच्ची शराब का गोरख धंधा करने वालों में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी राजकुमार मीणा ने आधा दर्जन पुलिसकर्मियों के साथ सोमवार सुबह अचानक बंजारा बस्ती के घरों में रेड डाली। अचानक पड़ी रेड के बाद इन लोगों में मचा हड़कंप। आगरा बहा में बटेश्वर की यमुना नदी में नहाते समय दो दोस्त डूबे, स्थानीय गोताखोरों ने एक को बचाया। दूसरा लापता इटावा के बटेश्वर में सोमवार को पूजा अर्चना करने आए थे दोनों युवक, नहाते समय गहरे पानी में हुआ हादसा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से लापता युवक को खोजने को चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।